जाते टाइम या फिर कहीं पे भी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना हो तो एक अच्छा सा शीक लुक चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारे एफर्ट भी नहीं डालने होते, बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम नहीं करना होता है, तो ऐसे वक्त पे क्या करें। तो मेरे पास है कुछ टिप्स एंड ट्रिक जिनको मैं फॉलो करती हूँ, और आप जानना चाहते हैं कि कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन आपके पूरे अपीयरेंस में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस लाएंगे। अगर जानना चाहते हैं देन प्लीज कीप कंटिन्यू वॉचिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, माय नेम इज रक्षंदा, आई मेनली फोकस ऑन लाइफस्टाइल फैशन एंड मेकअप कंटेंट। अगर ऐसे कंटेंट में आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमेशा ऐसा होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि क्या पहने। उस टाइम पे सिंपली आप आपके आउटफिट में कलर ऐड कर दीजिए। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप न्यूट्रल कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कैजुअल फंक्शन में जा रहे हैं तो आप थोड़े मतलब ब्राइट कलर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही ज़्यादा कलर ऐड नहीं करने, वो ओवा वाली वाइब नहीं हमको लानी है। तो आपको थोड़े कलर यूज़ करने हैं। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से कलर के साथ क्या पहनना है, सिंपली आप गूगल कर लीजिए, उस पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से कलर के साथ में कौन सा कलर जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट हेड प्रॉब्लम, देन व्हाट यू कैन डू, ऑफकोर्स आप स्क्रब यूज कर सकते हैं, आप मार्केट वाला स्क्रब यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मेक एट होम एज वेल। उसके लिए आपको शुगर लेना है, कॉफी लेना है, इनको मिला के आपको वीक में एक या दो बार आपको स्क्रब करना है। आई ऑल्सो हैव अ ब्लैक हेड प्रॉब्लम, तो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड बहुत खराब दिखते हैं, स्पेशली वेन यू आर गोइंग आउटसाइड, तो वो सामने वाले लोगों को बहुत ही इरिटेट सा लगता है। दैट टाइम ऑलवेज मेक श्योर कि आप ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड को रिमूव कर लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि दे आर एक्सट्रीमली हाई तो उसके पहले दिन ही आपको स्क्रब कर लेना है। तो इससे क्या होगा ना, आपका अपीयरेंस ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाएगा। इफ़ यू आर गर्ल और वुमन, देन वॉट यू कैन डू, आपको ना थोड़ा सा एक लाइट मेकअप करना है, नो मेकअप मेकअप लुक, क्योंकि बहुत लोगों को मेकअप करना नहीं पसंद होता है, तो आप नो मेकअप मेकअप लुक कर सकते हैं और बहुत ही लाइटर शेड लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेकअप से ना ऑटोमेटिकली आपका जो लुक होता है, आपकी ब्यूटी होती है, वो इन्हांस हो जाती है। अगर आपको थोड़ा अच्छा दिखना है तो आप थोड़ा सा मेकअप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कट क्रीज वगैरह नहीं करना है, लेकिन एक सिंपल सा नो मेकअप मेकअप लुक पे काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है। आपको नहीं पता है तो आप YouTube पे जाके नो वीडियो देख के वैसा आप कर सकते हैं। और एक बहुत ही लाइट लिपस्टिक लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट लिपस्टिक नहीं लगाना है, अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्राइट लुक देगा। तो अगर पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं तो दैट टाइम यू कैन अप्लाई, बट अगर आप सिंपल से कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो एक न्यूट्रल सा लिपस्टिक लगा लीजिए। और लिपस्टिक भी नहीं लगाना है तो आप एक टिंटेड लिप बाम लगा लीजिए, क्योंकि मेकअप से बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस करना पसंद है। देन व्हाट यू कैन डू, आपकी जीन्स को आप अंदर के साइड में या फिर बाहर के साइड में थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके लेग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक देंगे, और जीन्स के साथ में अगर आप सैंडल या फिर बेली पहनते हैं तो बहुत ही ज्यादा शीक लुक देगा। सो कीप दैट इन माइंड, बहुत ही डिफरेंस आपके पूरे अटायर में लाने वाला है। द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू, थोड़ा सा आप एक्सेसरीज डाल सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। पर्सनली आई लव टू वेयर इयररिंग्स और वॉचेस, आपको जो भी पसंद है आप पहन सकते हैं। चंकी ज्वेलरी इफ यू लाइक टू वेयर, एक कैजुअल फंक्शन में आप जा रहे हैं तो जस्ट वेयर सम ज्वेलरी, चंकी ज्वेलरी आप मैंने बोला वैसे पहन सकते हैं, लेयर अप कर सकते हैं मल्टीपल कलर की या फिर मल्टीपल लेयर्स की ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, यू कैन वेयर दैट। एंड अगर आप वैसे काइंड के पर्सन नहीं है देन ऑफकोर्स आप डिसेंट एक चेन पहन सकते हैं या फिर बहुत ही डेडिकेटेड सा इयर रिंग पहन सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन से काइंड के पर्सन है, वैसे ही आप छोटी या फिर थोड़ी बड़ी हेवी ज्वेलरी आप आपके आउटफिट में मतलब डाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा अगर एक सिंपल सा आउटफिट है, इफ सपोज आई कैन से एक टी शर्ट पहना है तो उस पर आप एक छोटा सा चेन भी डाल देंगे ना, तो उससे बहुत ही ज़्यादा उसका लुक इन्हांस हो जाएगा। या फिर आप उस पर इयर रिंग्स पहन लेते हैं तो भी बहुत ही एलिगेंट सा लुक ये देगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो आपके आउटफिट में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस लाती है। द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इफ यू आर अ मैन और वुमन डज नॉट मैटर, आपके नेल्स को आपको बहुत ज़्यादा क्लीन रखना है। और अगर आप गर्ल है, आपको नेल पेंट लगाना पसंद है तो आप एक नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चौकी नेल पेंट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी लगाई है देन थोड़ी नहीं लगाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक
मतलब नेल पेंट आप लगा लीजिए, अगर नहीं लगा रही है तो सिंपली आप उसे रिमूव कर लीजिए, लेकिन आधी चौकी नेल पेंट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सो ऑलवेज मेक श्योर आपके हैंड क्लीन होने चाहिए, उससे आपके नेल से रिलेटेड अबाउट द पर्सनल हाइजीन, देन व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपके टीथ क्लीन नहीं है तो आप आपके टीथ को क्लीन कर लीजिए। आपको दिन में दो बार तो ब्रश करना ही करना है, लेकिन बाहर जा रहे हैं उस टाइम पे आपको ब्रश करना है। और अगर आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, देन यू कैन यूज अ माउथ फ्रेशनर। हमेशा आपके पर्स में या फिर बैग में माउथ फ्रेशनर को आपको रखना ही रखना है, बिकॉज बैड ब्रेथ टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं होता है। सो मेक श्योर टू यूज अ माउथ फ्रेशनर। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ड्रेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्सेसरीज, लेकिन व्हाट अबाउट हेयर्स? हेयर आर इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट? तो आपको आपके हेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन रखना है। अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा ऑयल आने लगता है तो आप उनको वॉश कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ड्राई शैम्पू यूज कर लीजिए, लेकिन ऑयली हेयर दिखते नहीं है अच्छे, तो आपने वॉश उनको कर लेना है। देन आपको उनको अच्छी तरीके से कॉम कर लेना है, ब्रश कर लेना है। अगर आप प्रोफेशनल मीटिंग में जा रहे हैं तो ये टिप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट थिंग, अगर आप कैजुअल थिंग के लिए जा रहे हैं, कैजुअल पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपने कॉम मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉपर कॉम नहीं भी किया तो भी चल, लेकिन फॉर द फॉर्मल मीटिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आपके हेयर नीट एंड क्लीन हो। अगर आपको ओपन नहीं रखना है तो सिंपली आप उनको टाई कर लीजिए, बन बना लीजिए, क्योंकि बन या फिर पोनीटेल बहुत ज़्यादा शिक लुक देते हैं। सो अगर दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई रियली होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, यूजफुल भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन यू नो द ड्रिल, प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे पॉजिटिव एंड गुड बाय।